हम आ गए ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में। अब यही हाईवे आप थाने से आगे बढ़ेंगे, देखिए चारों तरफ पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कसारागा स्टार्ट होता है 51 किलोमीटर। वेलकम टू समृद्धि महामार्ग। एकदम खाली रोड है, मतलब बीच में थोड़ा गाड़ियां। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं एक नया रोड ट्रिप, मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर, जिसको कि पहले औरंगाबाद कहते थे। और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे के, तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं संभाजी नगर के लिए और शाम को 7:30-8 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलिए फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, आप हमारे साथ पूरी जर्नी देखिए। तो मुंबई से छत्रपति संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद कहते थे, 320 किलोमीटर्स है। तो गूगल तो हमें अराउंड 6 आवर्स दिखा रहा है, लेकिन थैंक टू समृद्धि महामार्ग हम मे बी 4.5 आवर या 5 आवर में पहुंच जाएंगे। लास्ट में दिखाऊंगा मैं कितना टाइम लगा। तो अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, और सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई रोड ट्रिप के लिए। तो मुंबई से संभाजी नगर रूट जो कि है, देखिए अभी हम लोग पवई क्रॉस कर रहे हैं। पवई के बाद हम ले लेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे, और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हम क्रॉस करेंगे भिवंडी कल्याण होते हुए। आगे जब इगतपुरी जब आएगा वाया कसारा घाट, वहाँ से जो समृद्धि महामार्ग के लिए टर्न है, उससे हम पकड़ेंगे समृद्धि महामार्ग। तो देखिए सैटरडे है, फिर भी आपको मुंबई में ट्रैफिक से तो निजात नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रोज के मुकाबले थोड़ा कम मिलना चाहिए। तो अभी हमारा मेन जो मोटिव है कि पहले मुंबई से बाहर निकल जाए जल्दी से, तो देखते हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस पे आ जाए पहले, उसके बाद वहाँ से फिर ये भिवंडी वगैरह में बहुत जाम लगता है एक्चुअली, वही जल्दी से क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद समृद्धि महामार्ग में तो बहुत कम टाइम लगने वाला है। तो देखिए मौसम ने हल्का सा मिजाज बदला, वैसे भी यहाँ पे अभी रेनी सीजन का ही मौसम है। तो देखिए मौसम अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो मुंबई में वैसे भी अभी आज 21 सितंबर, 21 हो गया, तो सितंबर तक तो यहाँ बारिश होती रहती है। तो देखिए बारिश हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई है, और अब हम आ गए हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस वे पे। ये ईस्टर्न एक्सप्रेस वे आगे देखिए ज्वाइन हो जाएगा, दिखाता हूँ अभी आपको। तो हम आ गए हैं ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, अब यही हाईवे में कंटिन्यू करना है। तो थाने कल्याण, थाने भिवंडी कल्याण सब क्रॉस करते हुए आगे कसारा घाट आएगा। कसारा घाट होते हुए वहाँ का नज़ारे देखते हुए इगतपुरी, और फिर इगतपुरी जैसा कि मैंने बताया समृद्धि महामार्ग लेते हुए हम जाएंगे संभाजी नगर। तो बारिश थोड़ा हो रही है, ठीक है, वेदर बढ़िया है, मौसम अच्छा लगता है बारिश वगैरह में। तो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, देखिए अगर आप इस पर कंटिन्यू करेंगे जैसे कल्याण इगतपुरी के बाद, तो अगर आप नासिक जाना है, इंदौर जाना है, सारे जगह यही आगे जाता है हाईवे। तो ये हमारे देखिए जर्नी का पहला टोल, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं मुलुंड का टोल नाका, और यहाँ पे जो चार्ज लगता है 45 रुपीज़। तो मुलुंड टोल नाका क्रॉस, अब कंटिन्यू करने हमें ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इसी तरफ। ट्रक्स के मूवमेंट काफ़ी रहते हैं इस पर, क्योंकि आगे वो भिवंडी का पूरा एरिया जो है वेयर हाउसेस का है, वहाँ बड़े बड़े कंपनीज का वेयर हाउस है। तो देखते हैं आज कितना ट्रैफिक मिलता है। जैसे ही आप थाने से आगे बढ़ेंगे, देखिए चारों तरफ पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी भी काफ़ी जाम में फंसे थे। देखिए नीचे इस साइड थोड़ा बन गई है, देखिए सीमेंटेड रोड बना रहे हैं ये लोग, आगे चल के बन जाएगा, 1-8 साल आई थिंक लगेगा। देखिए इस साइड यहाँ बन गई है, और आगे यहाँ देखिए इस लेफ्ट साइड बन गई थी, अभी राइट साइड देखिए अभी यहाँ से डाइवर्जन हो गया। तो आधी रोड बनी है, आधी नहीं बनी है, ऐसे ही चल रहा है मामला। काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट होता है, अभी पूरा भिवंडी एरिया कल्याण तक सब ऐसे ही है। तो देखिए अभी भिवंडी एरिया भी अभी जस्ट अभी आगे आएगा, आई थिंक अभी क्रॉस नहीं हुआ है। और एवरेज स्पीड आपकी यहाँ पे 20 से ज़्यादा नहीं रहेगी, देखिए आप सामने जाम देखिए
दोनों साइड देखे कितना जाम है। तो अभी इसके लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इस रूट पे, लेकिन एक बार ये क्रॉस हो गया, जैसे ही कल्याण एरिया की वंडी क्रॉस करेंगे तो उसके बाद सही है, उतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इधर पूरी जगह आप पहुँच जाएंगे फटाफट से। तो 2 घंटे में हमने टोटल अभी 50 किलोमीटर ही कवर किया है, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है इस साइड, तो अब जो भी ट्रैफिक वाला एरिया है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा, और अब इसके आगे से ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा जैसा रात वगैरह आएगा। तो 25 का एवरेज आया एवरेज स्पीड, तो अब भूख लगी है सबको, बस शिव सागर का वेट कर रहे हैं, शिव सागर आ जाएगा। तो अभी हम शिव सागर आ गए, देखें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट, यहाँ पे हम अपने लंच करेंगे। ये देखिए सामने शिव सागर, लंच करते हैं फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए, 3:30 बजने वाला, 51 किलोमीटर। तो हम अपने यहाँ पे लंच करते हैं, तो हमारा लंच हो गया यहाँ पे, अराउंड 45 मिनट का ब्रेक हो गया, टाइम हो रहा है 4:15। अब यहाँ से निकलेंगे हम संभाजी नगर के लिए, और आई थिंक 6:30 बजे तक ट्राई करेंगे पहुँच जाएंगे, 6:30-7 तक। तो चलिए जर्नी कंटिन्यू करते हैं आगे की। तो हमने अपनी जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी यहाँ पे शिव सागर में लंच करके, संभाजी नगर अभी भी 282 किलोमीटर बचा है, 4 घंटे दिखा रहा है, लेकिन 4 घंटे लगना नहीं चाहिए क्योंकि अभी आगे ट्रैफिक हमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, और इगतपुरी के बाद तो हमें समृद्धि महामार्ग मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना लगता है, आई थिंक 3 घंटे लगेगा शायद, देखते हैं ट्रैफिक में। अभी तो फिलहाल हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। देखिए सामने पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, पूरा हरा भरा। तो मानसून का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से महाराष्ट्र में, तो आगे अभी कसारा घाट आने वाला है, और कसारा घाट में काफ़ी अच्छा आपको सीन्स दिखते हैं, वहाँ से वाटरफॉल वगैरह भी दिखते हैं। तो बस कसारा घाट आने वाला है, उसके बाद इगतपुरी। तो टाइम अभी 5:30 होने वाला है, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए हमें चलते हुए। अभी वो इगतपुरी वाला टर्न आया नहीं है जहाँ से हमें समृद्धि महामार्ग मिलेगा, आई थिंक अनदर 1/2 आवर लगेगा। तो अब यहाँ से कसारा घाट स्टार्ट होता है, ये घाट सेक्शन है, तो अराउंड 14 किलोमीटर्स का ये घाट सेक्शन है, तो काफ़ी सुंदर घाट है ये एक्चुअली, बहुत ही सुंदर से वाटरफॉल्स वगैरह देखते हैं मानसून में, अभी भी हो सकता है दिखे क्योंकि अभी तो मानसून यहाँ चल ही रहा है। तो कसारा घाट क्रॉस हो गया, और अब आगे इगतपुरी है, और वहीं से आगे से जो मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का एक्सप्रेस वे का है वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से हम लेंगे सीधे महामार्ग का रास्ता और संभाजी नगर के लिए। देखिए सामने लिखा है नागपुर के लिए लेफ्ट, तो यहाँ से हम ये जो अपना हाईवे है जो आगरा की तरफ जा रहा है, एक्चुअली आगे नासिक इंदौर वगैरह जा रहा है स्ट्रेट, हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट लेंगे और आगे से आपको राइट में तो देखिए लिखा है नागपुर राइट, तो आगे से बस कट है मामा के लिए। हिंदू सम्राट महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बस यहीं से आपको राइट लेना है, बोर्ड आपको दिख जाएंगे बीच बीच में ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस ये जो रोड जा रहा है आप सीधे आगे तक के कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से जैसे अगर आपको लेफ्ट जाएंगे तो भंडारा वगैरह है, हिल स्टेशन है वो भी बढ़िया, देखिए लेफ्ट भंडारा, और यहाँ से राइट ये देखिए लिखा है यहाँ से राइट नागपुर, तो यहाँ से राइट ले रहा हूँ मैं,
और ये स्ट्रेट जाएंगे आगे। तो ये देखिए यहाँ का टोल, ये है समृद्धि महामार्ग का टोल नाका। तो यहाँ पे अभी आपका पैसा डिडक्ट नहीं होता, सिर्फ एंट्री हो गई आपकी, यहाँ से एंट्री हो गई है, यहाँ से आपने एंटर किया। तो जहाँ भी आप एग्जिट करेंगे, जैसे हम संभाजी नगर में कर रहे हैं, तो फिर वो डिस्टेंस वाइज आपका जो पैसा है ना वहाँ पे डिडक्ट हो जाता है। ये काफी अच्छी चीज है। तो वेलकम टू समृद्धि महामार्ग। तो ये अपना समृद्धि महामार्ग है जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को नागपुर से। फिलहाल इगतपुरी से नागपुर एक्टिव है और जल्दी ही इगतपुरी से जो थाने मुंबई में कनेक्ट हो जाएगा, काम चालू है। तो अभी मैं हूँ समृद्धि महामार्ग पे जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को नागपुर से। देखिए क्या नज़ारे हैं, ये देखिए ये एक समृद्धि महामार्ग है अपना, ये देखिए क्या नज़ारे हैं। ये देखिए शाम का समय होने वाला है, अभी 6:15 बज रहा है। यहाँ से चलते हैं अपने संभाजी नगर की तरफ। तो अब ये जो महामार्ग है इस पर आप जब ड्राइव करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। आराम से इस पर आप अपनी गाड़ी क्रूज पर डाल दीजिए और आराम से गाड़ी चलाइए, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह इस पर नहीं होता है। तो हमने 1:30 स्टार्ट किया था दोपहर में, उसमें ऑलमोस्ट 45 मिनट का एक ब्रेक लिया था। तो यहाँ पे जो इगतपुरी वाला टर्न है जहाँ से अपना स्टार्ट होता है ये समृद्धि महामार्ग, वहाँ तक आते थे काफ़ी जाम वगैरह मिला, लेकिन अब जो हमें लास्ट का 200 किलोमीटर जो बचा है दिखा रहा है गूगल, वो आई थिंक अराउंड 2 आवर्स या उसके अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि इस पर आप आराम से 100 प्लस जो 120 लिमिट है आराम से गाड़ी चलाई, कोई दिक्कत नहीं। तो सामने देखिए टनल, ये अपनी जो इगतपुरी साइड से जब आप आ रहे हैं तो टनल पड़ता है, क्योंकि आने जाने दोनों का अलग टनल है। तो पहाड़ को देखिए इन्होंने ड्रिल करके बनाया है, बहुत ही शानदार। तो धीरे धीरे सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, अभी पूरा सनसेट तो नहीं हुआ है लेकिन काफी शाम हो गया है, अभी 6:10 हो गए टाइम, तो थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और समृद्धि महामार्ग पे नाइट का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया ही रहता है, क्योंकि इसमें लाइट्स वगैरह सब अवेलेबल रहती है, थोड़ा सा ट्रैफिक कम रहता है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। सेट हो गया है अभी, देखिए समृद्धि महामार्ग पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये जो हाईवे बना है बहुत ही शानदार हाईवे है, इस पर आप आराम से 100+ गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम सीमेंटेड रोड है तो कोई बम्पी वगैरह ज़्यादा आपको फील नहीं होगा इस पर। समृद्धि महामार्ग पे आपको कुछ मिलता नहीं है एक्चुअली, कोई शॉप्स वगैरह नहीं मिलेगी। और जैसे अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो आपको पेट्रोल पंप का वेट करना पड़ेगा, पेट्रोल पंप भी अराउंड 100 किलोमीटर के बाद ही आएंगे, हैं 4-5 पेट्रोल पंप पड़ते हैं अगर आप नागपुर तक पूरा जा रहे हैं। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, खाने पीने का चीज़ें और अपना पेट्रोल डीजल जो भी है फुल करा के तभी इस पर चढ़िए अगर आप पूरा नागपुर तक जा रहे हैं। तो टाइम अभी हो गया है 7:10 शाम के हो गए, और अभी भी हमारा डिस्टेंस जो बचा है संभाजी नगर का वो अराउंड 62 किलोमीटर दिखा रहा है, तो अराउंड 45 मिनट्स और लगना चाहिए। तो 7:45 या 8 बजे तक हम लोग अपने होटल में रहेंगे। तो अभी अंधेरा है, ऐसे बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्डिंग किया नहीं, अभी जब आगे संभाजी नगर सिटी में टर्न करूँगा तो वहाँ थोड़ा देखेंगे। अभी जबकि समृद्धि महामार्ग पे हम जा रहे हैं और एकदम खाली रोड है, मतलब बीच में थोड़ा गाड़ियाँ वगैरह आपको मिलेंगी लेकिन ओवरऑल तो अभी काफ़ी खाली रोड है। तो देखिए अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं समृद्धि महामार्ग से, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इलोरा और सामसी।
छत्रपति शिवाजी नगर के लिए एग्जिट। तो अब यहाँ से हमने एग्जिट कर लिया है, तो हमारा होटल अभी अराउंड 28 किलोमीटर और दिखा रहा है, आधे घंटे या 40 मिनट लगना चाहिए। यहाँ पे जो टोल रहेगा वो कैलकुलेट करेगा और कितना पैसा लगा मुंबई टू संभाजी नगर, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए अभी टोल है एग्जिट पे, यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे वहाँ पे आपका पैसा कैलकुलेट होकर डिडक्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ खुल गया और कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है मैसेज आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। तो अब चलते हैं, 28 किलोमीटर और है, ये रिंग रोड है थोड़ी दूर। और देखिए अब हम आ गए हैं अपने संभाजी नगर की तरफ, थोड़ा सा आउटसाइड एरिया होगा, आगे जाते हैं देखते हैं होटल वगैरह आगे सब लाइन से हैं उधर, जस्ट 26 किलोमीटर बाद। जैसे जैसे आप सिटी संभाजी नगर की तरफ पहुंच रहे हैं, देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स आपको दिखने लगेंगे। हमारा भी होटल आगे आने वाला है, अभी 15 किलोमीटर और बचा। तो हम लोग फाइनली अपने होटल में पहुंच गए संभाजी नगर में, विट्स संभाजी नगर होटल। तो इसका भी रिव्यू मैं डाल दूंगा। तो चलिए ये व्लॉग एंड करते हैं, होपफुली आपको हमारी जर्नी मुंबई से संभाजी नगर अच्छी लगी होगी। चलिए गुड बाय फॉर नाउ।